आपां दे देश मैं दावां उडारियां। आओ जी आओ, वेलकम है जी। ओ गॉड, आपने हमारे लिए फूल सजाए। तू आ तो सही एक बार, फूलों का सफर कांटों पे जाके खत्म होना है। अरे हानिया जी, ये तो भाभी की जगह आपका गृह प्रवेश हो गया। पर आपको भाभी को पहले आने देना चाहिए था ना। जी, आपके पैर से खून बह रहा है। आप आइए मेरे साथ अंदर। आइए आइए प्लीज। यहां बैठ। हाना जी, आपके पैर पे इतने कांटे लगे हुए हैं, आपको पता भी नहीं चला। हाय रब्बा, कांटे? वो मैंने तो बस फूल मंगाए थे, ये कांटे कहां से आ गए? हमारे कपड़े से वेदांत के परफ्यूम की खुशबू आ रही है, इसलिए इस इडियट ने हमारी चोरी पकड़ ली। मैनिपुलेट करना होगा इसे। भाभी, रोता जी। ये कदम आगे नहीं आएगा। पीछे हटो सब। राम जी के जमीन से हैं, जहां एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, प्राण जाए पर वचन न जाए। पापा, एक बस बस वेदा, एक वो बेटा था जिसने अपने पिता के वादे के लिए वनवास तक को स्वीकार कर लिया, और एक तू है जिसने अपने पिता की दी हुई जुबान को तोड़ने के पहले एक बार भी नहीं सोचा।
भैया रुद्र जी भाई साहब मंजू हट जाओ मारिए हमें मार दीजिए अपने बेटे के साथ साथ अपनी बहन को भी मार दीजिए क्योंकि हमारी जान से बढ़कर तो आपकी जुबान है ना मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और प्लीज आप अभी जाओ आई एम गेटिंग लेट जाओ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है एक बात बता तू बॉडी बनाता रहेगा या मुझे कभी सास भी बनाएगा मुझे भी तो कोई चाहिए जिस पर मैं हुकुम चला सकूं ये देख मैंने तेरे लिए कुछ लड़कियां शॉर्टलिस्ट की है देखकर बता तुझे कौन पसंद है तू हां कर तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं शादी हाँ शादी अरे कभी तो करेगा ना तुझे पता है मेरी किटी में ना सारी लेडीज अपनी बहुओं की कमियां निकालती है और मैं मुझे राजश्री भाभी की बहू की कमी निकालनी पड़ती है मुझे भी तो किसी में कमियां निकालनी है मुझे भी तो कोई चाहिए आपको कमियां निकालने के लिए बहू चाहिए मॉम आप एक काम करो आप मेरी कमियां निकाल लिया करो और मेरे पे हुक्म चला लिया करो ठीक है मुझे शादी वादी नहीं करनी अभी तूने लंदन में किसी को पसंद कर लिया ना नहीं मॉम तो फिर अच्छा एक काम करो आप ये फोटोज दे दो मुझे मैं देख लूंगा अभी देख लेना मुंबई की बेस्ट फैमिली की लड़की है मॉम मुझे ना लेट हो रहा है आई हैव टू कंप्लीट माय वर्कआउट मुझे शाल लेना और मुझे मीटिंग के लिए जाना प्लीज मॉम प्लीज ये क्या बात है प्लीज मॉम अरे दो मिनट लगेगा फोटो प्लीज प्लीज जाओ देख लेना यस प्लीज अरे मेरे घर से मुझे बाहर पक्का मॉम पक्का क्या कर रही हो तुम मॉम को क्या जवाब दूंगा कैसे फट गई ये तुम्हें बस अपनी मॉम की पड़ी है मेरी नहीं बोला क्यों नहीं अपनी माँ से तुम किसी और से प्यार करते हो क्या बोलू कि मैं मोहिनी को पसंद करता हूँ जो अपनी बहन और उसके पति से बदला लेने आई है और मॉम मुझे गले लगा लेती और एक्सेप्ट कर लेती तुम्हें राइट तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तुम मुझे धोखा दे रहे हो कैसी बातें कर रही हो यार आई लव यू डैम इट मॉम को बताऊंगा मैं लेकिन सही वक्त आने पे तुम बस आर्यमन और कृष्णा को अलग कर दो ये घर और ये बिजनेस एक बार मेरे नाम हो जाए तो फिर मॉम भी खुश हो जाएंगी और जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हें बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी वो इसलिए तुम बस फोकस करो अपना बदला लेने पे ताकि हम दोनों एक साथ अच्छे से सेट हो जाएं पक्का ना ऑफ कोर्स